हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ वन फर्मी। द प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस रिमेन एट अ सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। तो दो हमें प्रोटॉन दिए हुए हैं, या हम पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं, ठीक है। उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, वन फर्मी, ठीक है। प्रोटॉन्स दिए हुए हैं और वन फर्मी इनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमको इनके बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वन फर्मी इक्वल होता है 10^-15 मीटर, ठीक है। ये 11th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का, ठीक है। उसके बाद हम फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, 1/4πε0 कूलम्स लॉ से, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, 1/4πε0 Q1 Q2 / r², ठीक है। एफ इक्वल 1/4πε0, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 9×10⁻¹। इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, 9×10⁻¹। और Q1, अच्छा ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1.6×10⁻¹⁹, यही इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन सॉरी चार्जेस हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर R क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो जो कि है कितना, 1 फर्मी यानी कि 10⁻¹⁵ का स्क्वायर, 9×10⁻¹⁹ × 1.6 × 1.6। इसको जब हम थोड़ा सा इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अच्छा देखो यहां से हम -9 कर सकते हो तो 10⁻¹⁰ बचेगा, और यहां पर कितना बचेगा, यहां पर तो इतना ही रहने वाला है, तो ओवरऑल यहां पर बचेगा -29 और यहां पर स्क्वायर जब हम करेंगे इसका तो 10⁻¹⁰ हो जाएगा, ठीक है। एक पावर से कट जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों का, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 230 न्यूटन। ये हमारा फोर्स हो जाएगा जो कि इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच पे जो फोर्स लगेगा वो हमने फोर्स फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।